अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कामरान है और स्कॉलरशिप चेज की आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप पर कैसे अप्लाई करें। इरास्मस मंडस यूरोप का बहुत मशहूर स्कॉलरशिप है जिसमें फुली फंडेड मास्टर प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि हमें बिल्कुल भी प्रोसेस की समझ नहीं आ रही, तो इस पर कैसे अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर जो है बहुत ही बुनियादी बात जो है वो मैं जिक्र कर देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद जो है आप जो है ख़ुद इरास्मस मंडस पर अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे। इरास्मस मंडस पर अप्लाई करने के लिए हर साल इरास्मस मंडस अपना कैटलॉग जो है वो अपडेट करता है, जिस तरह मैंने ये EMGMD कैटलॉग जो है इसको एंटर किया। ये इरास्मस मंडस EMGMD मीन्स इरास्मस मंडस जॉइंट मास्टर डॉक्टर मास्टर प्रोग्राम, इस तरह से समथिंग ये बनता है। तो सबसे ऊपर ही जो है इरास्मस मंडस का कैटलॉग आ गया। इसमें इस साल जो शो हो रहे हैं 183 प्रोग्राम जो हैं वो शो हो रहे हैं। अब अपने अप्लाई ऐसे करना है कि सबसे पहले आपने अपने प्रोग्राम जो हैं वो ढूंढ लेने हैं। इसके अंदर प्रोग्राम हाईली इंटर डिसिप्लिनरी हैं, जिस तरह आप देखें कि एग्रीकल्चर एंड अर्बन, कॉन्टेम्प्रेरी हेरिटेज है, इन्वायरमेंटल साइंस पॉलिसी एंड मैनेजमेंट है, मेम्ब्रेन इंजीनियरिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो ये सारे प्रोग्राम जो हैं इनमें से आपने अपने प्रोग्राम ढूंढने हैं, और ज़रूरी नहीं कि आपको आपको कोई टाइटल मिलेगा। जिस तरह पब्लिक सेक्टर इनोवेशन एंड ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस आ गया तो आई होप सो के कंप्यूटर साइंस के लोग भी जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये पता कैसे चलेगा कि आपके रिलेटेड प्रोग्राम कौन से हैं? सबसे पहले तो आप टाइटल्स पढ़ते जाएँ, 183 टाइटल पढ़ें, और उसके अंदर से आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको किस किस प्रोग्राम में इंटरेस्ट महसूस हो रहा है और कौन सा प्रोग्राम आपके रिलेटेड जो है वो आपको महसूस हो रहा है। जिस तरह यूरोपियन मास्टर इन लॉ एंड इकोनॉमिक्स है, तो लॉ और इकोनॉमिक्स वाले लोग जो हैं वो इससे ताल्लुक़ रखेंगे। उसके बाद जो है जो आपको प्रोग्राम, आपने 8-10 प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट कर लिए, तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हर प्रोग्राम की जो है एक वेबसाइट होती है, जिस तरह से ये हर प्रोग्राम की जो है एक वेबसाइट दी हुई है। नेक्स्ट करेंगे तो हर देर इज़ नो प्रोग्राम जिसकी मतलब वेबसाइट नहीं है, तो हर प्रोग्राम की जो है वो वेबसाइट होती है। जिस तरह हम ये मास्टर इन लॉ वाले की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, यूरोपियन मास्टर इन लॉ एंड इकोनॉमिक्स। अब आपने इस वेबसाइट को बहुत डिटेल से पढ़ना है। इसके अंदर A to Z सारी इंफॉर्मेशन विद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सब कुछ लिखा हुआ होता है कि 3 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसको ऑफर कर रही हैं, ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, व्हाट इज़ लॉ एंड इकोनॉमिक्स, इसके अंदर ये क्या चाहते हैं, किस किस्म के लोग चाहते हैं, A to Z सब कुछ उसके अंदर जो मेंशन होगा, उसके ग्रेजुएट या करंट स्टूडेंट की प्रोफाइल्स होंगी उसके अंदर, उनकी कुछ कुछ स्टूडेंट की स्टोरीज होंगी, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि किस बैकग्राउंड के स्टूडेंट जो है उन्होंने किस टाइम पे इस प्रोग्राम में किस तरह से दाखिला लिया। और अप्लाई एप्लीकेशन बटन होगा 2023 to 2024 का, और एप्लीकेंट्स के लिए ये ऊपर टैब जो दिया गया है। सिमिलरली ही तकरीबन तमाम वेबसाइट्स जो हैं वो कमोपेश थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ, चीज़ें उनके अंदर सारी पूरी ही होती हैं कि टाइमलाइन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, स्कॉलरशिप किस तरह से ऑफ़र कर रहे हैं, इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप कब ऑफ़र कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर दी होंगी। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि ज़रूर मोस्ट ऑफ द टाइम लिंक्डइन और फेसबुक वगैरह वो मेंशन की होती है इन्होंने, तो आप उसके ऊपर जाके मजीद सक्सेस स्टोरीज देख सकते हैं, उनका ट्रेंड देख सकते हैं कि वो किस किस्म के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्या प्रोग्राम्स एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो उसी तरह के स्टूडेंट बेसिकली वो चाहते हैं, उसमें जो प्रोफेसर हैं उनका माइंड सेट बेसिकली उस साइड से ताल्लुक़ रखता है। तो वो आप एक गैस करें, अपना एजुकेटेड गैस करें कि क्या बेसिकली वो चाहते हैं, और उन्हें वही चीज़ प्रेजेंट करें, तो आपकी जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आप जो है अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, उनकी वेबसाइट्स रीड करेंगे और उसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स बना के अप्लाई कर देंगे। ये बहुत बेसिक लेवल जो है इसमें गाइडेंस है, जो स्टूडेंट्स बार बार सवाल करते हैं कि इरास्मस मंडस पे कैसे अप्लाई करें, तो उस पर आपको उनकी इंडिविजुअल वेबसाइट जो है वो स्टडी करनी होगी। प्रोग्राम टू प्रोग्राम चीज़ें वेरी करती हैं। FAQ सेक्शन यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर या फेसबुक के ऊपर तमाम आंसर्स आपको ऑलरेडी दिए गए होते हैं, उन चीज़ को उनको फॉलो करें। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।